हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अभी सो के उठ चुके हैं। मेरी तो नींद ही उड़ गई थी सुबह सहरी के बाद, मेहंदी वेहंदी लगाने के बाद, कुछ देखने के बाद। इस वक्त बजा एक, फ्रेश होते मतलब सारा काम नहा धो के आपसे मिलते हैं। जोहर का टाइम हो गया है और अभी उठे भी नहीं है। मेहंदी के चक्कर में उसने मुझे इतना सुनाया है ना, ठीक ही है। बस रात में मैंने जब कहा था कि कल सुबह लगवा दूंगा तो क्यों रात में लगाई मेहंदी। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। मैं रेडी हो गया हूँ नमाज के लिए और सब अभी रेडी हो रही है, बस नमाज पढ़ के आता हूँ। सुबह की नमाज हो चुकी है, अभी चलते हैं नीचे, पारा पढ़ेंगे। इतनी धूल मिट्टी है ना हर जगह कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे हो गए 5 पारे, इसके हो गए 6 पारे। इस वक्त बजने वाला है 3, पारा पढ़ के हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं। और लग गई, मैंने कुछ नहीं किया। अभी हम जा रहे हैं मकसद टेलर के पास उनके कपड़े डलवाने के लिए। रुखसाना बाजी यहाँ पे नमाज पढ़ रही है। मम्मा के कपड़े डलवा के आ जाओ और तुम्हें लेके चलता हूँ मैं, ठीक। सिलने के लिए दे दिए और ये जगह कितनी प्यारी लग रही थी। बस उसके बाद आ गए हम लोग घर वापस। तो इस वक्त 3:30 बजने वाला है, 3:22 हो गया। हम निकल गए हैं बाहर, कुछ सामान लेना है जो आज मैं कुछ बनाऊंगी। उसके लिए कुछ कुछ जरूरतों की चीजें जो घर पे नहीं है। इतना बड़ा वो कर रही हूँ बतंगर, तो बना रही हूँ, बनाऊंगी नहीं बना तो बड़ी टेंशन हो जाएगी। तो फ्रूट्स हमने ले लिए यहाँ से, अभी चलते हैं आगे। प्लेट्स लेनी है, कुछ प्लेट्स नहीं डोंगे टाइप, देखते हैं। हमें जो बर्तन चाहिए थे वो हमें यहाँ नहीं मिले, हमें कहीं और जाना पड़ेगा, लेकिन पार्सल जो है वो आ गए यहाँ पे, तो वो पिक कर लेते हैं। फास्ट सर्विस देश विदेश के लिए। आप देख सकते हैं मैंने सोने में क्या किया है, ये देखिए। मैं जो काम मना करता हूँ सही के लिए मना करता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है। मतलब मैंने बोला मैं कल लगवा दूंगा, जब मैं नमाज पढ़ के वापस आया तो मैडम वहाँ पे मेहंदी लगा रही थी अपने हाथ से, मैं देख के भनभना तो गया, लेकिन मैंने चल कोई बात नहीं, रमजान चल रहा है। नहीं तो क्या करते, बकता तो मैं वहाँ पे, बक लिया इसने वैसे भी, अच्छी लगाई ना। लेकिन एक पार्सल यहाँ पे आया DTDC पे, भैया पूछवा भी दीजिए कि हमारी नहीं आता रहता है आपका, तो इकट्ठा दे जाएगा नहीं। समझ जाओ, अब ले ली, अब जल्दी खत्म करो, टाइम भी हो रहा है। नीला वाला ली, ये वाला ली, डन करो। ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन फिर भी डोंगे ट्रे और क्या था डब्बे हमें मिल गए। अंगूर लेने, अंगूर मुझे गर्मी लग रही भाई। फ्रेंड्स बहुत तेज धूप है, बहुत गर्मी है। एकदम अच्छे बड़े बड़े पीले पीले रस भरे अंगूर मिल गए। इनकी कुल्फी बड़ी फेमस थी वहाँ, हमें अब बंद कर दिया। बोल रहे हैं अब कुल्फी का टाइम गया, अब आइसक्रीम का टाइम है, इसलिए हमने कुल्फी बेचना बंद कर दी, वरना एक टाइम पे मौदा में बहुत फेमस थी। क्या नाम था सनी? हलचल। यहाँ से हम सारा सामान ले लेते हैं फिर चलते हैं। दूध पाउडर, इलायची पाउडर और पूरा शक्कर। मैं तो अभी बनाना तो दूर, बनाने के सामान लाने में ही थक गई, बनाऊंगी कैसे। तो क्या कहते हैं, अभी हाथी निकल गया, पूंछ बची है, तो अभी सिर्फ सूंड निकली, पूरा हाथी बचा है। आज का मेन्यू आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ, बाकी चीजें इफ्तारी की तो बाद में रहेंगी, पहले आज चिकन बनेगा खाने में, तो उसकी तैयारी पहले कर लेते हैं। ये बन जाए उसके बाद किचन खाली हो जाएगा, फिर इफ्तार की तैयारी कर लेंगे, वरना ये भी बनता है सब एक साथ हो जाता है। तो बनाते हैं, तेल यहाँ पे गर्म करेंगे, फिर प्याज तलेंगे, फिर जो भी करेंगे आपको बताएंगे। इफ्तार की हो रही है तैयारी, ऊपर चल रहा है काम, तो बेचारे साफ करके दे रहे हैं ताकि नीचे कचरा ना आए यहाँ पे, है ना। चिकन का हो गया है आगाज। अरे नहीं, वो तो कर देने दो उसको, फिर मैंने बोला वो तो कर देने दो उसको, वो क्या कर देने दो, मसल देने दो, मैश कर देने दो। अब ज्यादा ना करने प्याज, ने कहूँ चिगारी मार दे। बना भाई ये चिकन तुम्हारा, देखते कैसे बनाती है। मुंबई में तो अच्छा बनाया तुमने, एक नंबर। बताओ भी मिल गया तुम्हें पाउडर, ये वाला इलायची पाउडर मिल गया आसानी से, मुश्किल से चलो लेकिन ले आया बेचारा। इसमें काजू भी तुम डालने वाली हो क्या? हाँ अच्छी लग रही है। मैं चिकन बना रही हूँ, वो वीडियो बना रहा है। अस्सलाम वालेकुम, सलाम कर रही है सबको, सलाम करना। फ्रेंड्स मुझे यहाँ की चीजों को ना डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा लगता है, मतलब हर जगह होता है इलायची पाउडर, लेकिन यहाँ पे एकदम क्लियर लिखा है छोटी इलायची पाउडर और यहाँ लिखा है ग्रीन इलायची पाउडर। और ये ब्रेड तो देखिए कितना अच्छा है, इसमें लिखा है असली मक्खन मलाई ब्रेड, कि जिसको ना भी खाना उसको भी खाने का हमारा मजा है ही ऐसा। इसे मतलब कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, ना मक्खन लगाओ ना मलाई लगाओ, वैसे ही खा लो। और अभी मिक्सर में पिस जाएगा ये प्याज और दही, मैं पीसूंगा दिखा। शौक चढ़ा मिक्सर का, ठीक है। इतना गजब का मिक्सर है अपना यार, है ना, पूरा बना दिया उसने बिल्कुल काम। जल्दी लाओ जल्दी, अभी से थोड़ी देर ढक के रख देते हैं, अभी हम असर की नमाज पढ़ लेते हैं, फिर बाकी चीजें देखेंगे जाके। चलिए अरे यार, कहाँ से निकले इंसान, कब काम होगा।
5:13 हो गया, अभी चलते हैं, अभी जल्दी से बना लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वो जन्नत मुकाम वो दोजख के आराम जिसके आप बंदे उसके हम गुलाम। बड़ा नाज था ना अपने शरबत पे, पूछो किसने अच्छा बनाया। कर किसने बनाया? हमने। तुम सब बता रहा हो, तुम बड़ी सब बनाई, भाभी हम बना बनाई है। ओफो, मिर्ची कितनी कलर वाली है, वो वाली लाल वाली कस्तूरी कश्मीरी मिर्ची ना। चिकन तो बन गया है, एक बार जब मीठा बनाना उसकी रेसिपी एक बार फिर से देख लो। चार बार देख चुके फिर भी चलो चलते बना। मुझे पता है तुम बना लोगी। दूध पकने रख दिया है मैंने, यहाँ पे रुखसाना बाजी बना रही है मंगोड़े, यहाँ पे मैंने फ्रूट्स कट कर दिए हैं और अभी शरबत भी बना लेते हैं। सब कुछ रेडी हो गया है यहाँ पे दस्तरखान में, अभी सारी चीजें लगा देते हैं। इफ्तार हो गया, नमाज भी हो गई और जो मीठा बना था वो अभी तक बना ही नहीं, क्योंकि मैं चख नहीं पाती तो फिर मुझे पता ही नहीं चलता। और सनी आज इफ्तार में भी गए तो मैं भी थोड़ी देर से बनाऊंगी। बोर्ड धो के साफ कर लिया, अब ये ब्रेड कट कर लेंगे। ये ऊपर वाला लिक्विड रेडी है, ब्रेड कट कर ली थी और उसके बाद ये बीच में पूरा बना लिया था, लेकिन कोई शूट करने वाला नहीं था। उसके बाद सनी आए थे तो फिर बोलते है कि चलो तुमको और महर को घुमा लाते हैं। क्या खाओगी बताओ? चाय। चाय खाओगी? आज तुम्हारी कुछ बीपी तुम्हारा लो है क्या? आज नहीं। तो जुकाम है क्या? तो फिर ऐसी काई शक्ल हो रही है। नहीं, चाय पिलाने लाए। अबे भाई सही से बोलो, चाय पिलाने लाए? चाय पिलाने कौन लाए? शौहर जान। आ शक्कर वाली पी लो आज मेरी मोहब्बत में। बड़ी चाहिए भाई, बड़ी वाली, जो जो एक जग भर की चाय लिया ठीक है, बड़ा वाला कुल्ला दो दो में पी लेना तुम, ठीक है? जग मंगवा दो। हाँ जग। जब अगर आपकी बेगम का मूड ठीक ना हो तो चाय पिला लेगा भाई साहब, मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मूड ठीक है थोड़ा सा, ऐसे में रमजान में ना क्या होता है, शरबत पी पी के नाक हो गई, लाल जुकाम हो गया है, ठीक है? तो चाय पीने आई। लेकिन ये बात भी सही है कि घर में घुस घुस के इंसान ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो कभी कभार बाहर एक आध चक्कर लगवा दो, आप चाय पिलवा दो या कुछ लस्सी पिलवा दो या बर्गर खिलवा दो या गन्ने के जूस पिलवा दो, तो आदमी का मूड ठीक हो जाता है ना। चाय पिएगी उसके बाद लस्सी घर के लिए और बर्गर भी खाएगी, इंशाल्लाह फिर खुश हो जाएगी। और घर में चिकन रखा वाला भी हम लोग रात में खाएंगे, है ना? मेरी रेसिपी अलग बिगड़ गई। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, बहनों, मैं आपको बता दूं कि आज मैं चला गया अफ्तार में तो बेचारी अकेले पड़ गई, इसलिए इससे बिगड़ गई। नहीं, ब्रेड सूखी लाए। हाँ, ब्रेड की भी गलती है और मैंने भी उसको टेस्ट किया, मीठा भी कम है। आपने कब टेस्ट कर लिया? कैमरे के सामने करना था। पूरा काट के खाया? हाँ पूरा काट के खाया, मीठा कम, शक्कर मुझे पता था कि शक्कर कम होगी, नहीं थी। इसलिए दोस्तों आज रात में हम फिर से बनाने वाले हैं, उस रेसिपी को सही करेंगे और इंशाल्लाह आपको परफेक्ट बना के दिखाएंगे। फ्रेंड्स, मुझे सामने रिएक्शन लेना था, अकेले में ही चख लिया पूरा। क्या हुआ अभी, नया वाला बना के रिएक्शन लेना ना? नहीं, उसी का ही चाहिए, फिर से देना अब दोबारा। ठीक है ठीक है, दोबारा फिर चेक करेंगे उसको। पानी पी रही है भाई। अच्छा, मतलब वीडियो बना रहा है। पियो पियो, अच्छा है पानी? थोड़ा तीखा है, कम कम डालिएगा। ये देखो, ये गया मुंह में, ये चला गया। कैसा है? सही है। नवरात्रि का 9th डे है ना। फ्रेंड्स देखिए कितना डेकोरेशन हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कल शायद नवरात्रि का लास्ट डे, मतलब 9th डे है, तो यहाँ पे जुलूस निकलेगा, उसका पूरा डेकोरेशन किया हुआ है यहाँ पे। आज भी निकला था ना जुलूस? आज भी था, आज बाइक वाला था, आज बाइक वाला था, कल बड़ा सा रैली निकलेगा। चल भाई खा, थोड़ा सही है, थोड़ा भी सही नहीं है। थोड़ा सही तो मैं थोड़ा का मीठा कम है, मीठा कम है ना, बस बस सिर्फ मीठा कम है, बाकी सब कुछ ठीक है। हमें लगता है कि जो ऊपर का लिक्विड है उसमें भी शक्कर डालनी थी, आप भूल रहे हो। लिक्विड में? किसमें लिक्विड में? जो ऊपर जो डालेगा ये येलो कस्टर्ड वाला। हाँ। तो तुम्हें शक्कर सोने डाली क्या? नहीं। अरे तो भाई, तो गलती कर दी अपन ने। अच्छा, मैं चेक कर, बाइट टेस्ट से लगे मीठा में थोड़ा कम है, मीठा कम है। बाइट टेस्ट लिवर कर भी खा भाई अपना। हमने भी रेसिपी देखी थी और सनी को भी बार बार दिखाई थी। सनी ने, आपने मुझे पता है, आपने सिर्फ बोला था कस्टर्ड पाउडर डालेगा और कुछ नहीं डालेगा, इसलिए मैंने नहीं डाली। हमारी गलती यही हो गई। हाँ। कि इन ब्रेड को अच्छे से बिल्कुल डुबाना है इसमें। हाँ। बिल्कुल लुझुल हो जाए, मतलब गीली हो जाए। अम्मा को नहीं चखा सकती हूँ क्योंकि वो दूध की चीजें नहीं खाती है, फिर पेट में परेशानी हो जाती है, लेकिन मैं चखती हूँ। एक बार मुझे दिखा दो अंदर इसको, तुमने ये तो अच्छे काटे हैं। ब्रेड बहुत वो हो रही थी, और ये बीच का भी बहुत कड़क हो गया है, फ्रिज में रख दिया ना इसलिए कड़क हो गया है। तो कटी नहीं रहा क्या? बर्फ हो गया क्या वो? नहीं, ये बीच का, बीच में अंदर गया नहीं है ना वो, तुमने अच्छे से डुबाया नहीं उसको। गरम में करते हैं क्या? हाँ। मीठा कम है ना? टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा, लेकिन बस मीठा कम है। लेकिन जैसे एग्जैक्ट उनकी मलाई जैसी रेसिपी थी वो नहीं बना। वो इसलिए नहीं बना है क्योंकि तुमने इसको अच्छे से डुबाया नहीं है।
रही हो, देखो 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 कैसे कट रही थी। हमारी मेहनत रंग लाई है लेकिन मुझे बस थोड़ा सा कम मीठा लगा, बाकी सब कुछ अच्छा है। अच्छा है बस मीठा कम है। एक बात बोलूं मैं, पहले मेरी बात सुनो। अब मैं तुम्हें जाने वाला था गोल्ड कुछ सामान, तो तुम्हें एक कान दिला दूं एक कान दिला दूं, ठीक है? लेकिन कान के तो दिला दो। बंदा वाला कड़क क्यों हो गया? ये रहा बर्गर, तुम्हें कैसा लगा बर्गर? इरफान भाई इसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, कैसा लगा? ठीक था, बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। क्या बस ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, ये गए थे इफ्तार में लेकिन उतना नहीं खा के आया, कितना खा के आया फिर से भूख लगाई। सिर्फ आज बस मैंने दो पकौड़ी और एक खजूर और एक गिलास शरबत तभी के मैं आ गया था। हाँ। क्योंकि मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था, अब मैं खाऊंगा चिकन जो सबा ने बनाया है। तो निकाल लिया हमने यहाँ पे अपना चिकन और प्याज लाओ काट दे। कानपुर वाला वो है ये कोरमा, ये उसके लिए बनाया था तो बच गया था कस्टर्ड वाला ये मिल्क, तो फिर हमने इसमें फ्रूट्स डाल दिए। ये तो मैंने सच में बहुत अच्छा बनाया है ना? पापा को चिकन अच्छा लग गया। हाँ। उनको भी कस्टर्ड भी दे दे पापा का। ये तो सही है। अच्छा क्या डॉगी को खाते वो अच्छे साफ करते इसको के बाद ऐसे लेट के कौन साफ करता है? साफ होने से मतलब है लेट के करो, बैठ के करो, नाच के करो। हो गया साफ, बस करो। लग गया ताला। चलो अब चलते हैं। वॉक हो चुकी है फ्रेंड्स, अब चल रहे हैं नीचे, कुछ दिखाई नहीं देता फ्लैश की वजह से। देखिए फ्रेंड्स इस शख्स को, ये सहरी के टाइम इफ्तारी खा रहा है। अब चलता है, जब जागो तब सवेरा। आज सच में जो मंगौड़े वो बहुत अच्छे बने थे क्योंकि इसमें मूंग दाल और मसूर दाल दोनों मिक्स करके डाली थी। कुरकुराओ ये मसूर की दाल से क्या हुआ? सहरी टाइम हो चुका है फ्रेंड्स, चलते हैं सहरी करते। चलो भाई सहरी आ जाओ। आज की हमारी सहरी हो गई रेडी, पराठे बन गए हैं, सालन ले लिए और दही ले लेंगे। पराठे बस बन रहे हैं तो दो दिन से मुझसे चाय खराब होती है इसलिए आज मैं सबके लिए चाय बना रहा हूँ और देख तो अभी अच्छी रही, आगे देखते हैं कैसी होगी इंशाल्लाह। अच्छी यही वाला ऊपर रखना था तुमको तो इसको छुपा देते, रख देते ऐसे। कोई बात नहीं, चलो अब सबने देख लिया तुम्हारी सच्चाई। डाल दो बेबी पूरी पूरी चाय बर्बाद कर दी। हाँ दोस्तों कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आप सबकी दुआओं से हम सब भी खैरियत से। कुछ तुम व्लॉग की एंडिंग है, आप तो ऐसे बोल रहे हो स्टार्टिंग है। इसलिए वो सब समझते हैं, स्टार्टिंग एंडिंग सब कुछ समझते हैं वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी हो गई है, अभी हम थोड़ी देर बाद नमाज पढ़ेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बहुत सारा प्यार दें। आई लव यू बहुत सारा आप सबके लिए। और फ्रेंड्स कल हमें कुछ तैयारी भी करनी है कि हो सकता है कि हम कहीं जाएं, तो जो भी होगा आप सबके साथ हमेशा शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और सबके लिए अल्लाह हाफिज़। आज मैं इधर सोऊंगी, क्यों नहीं सो सकती? मेरी जगह मुझे नहीं आती, जानती हूँ मेरी। बैठ तो बैठ, जब हम इधर सो सकते हैं तो तुम इधर क्यों नहीं सो सकते? मुझे इसलिए वहाँ से ला रही ताकि मुझे ठंड नहीं लगे और कल से बंद करके सो। अभी उधर जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या ऐसी चलेगी या नहीं चलेगी, क्या मुझे ठंडी लगेगी या नहीं लगेगी, वहां से उठ के मैं यहाँ सोने आऊंगी या नहीं आऊंगी, ये सब हम आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। क्योंकि आज बिल्कुल भी अभी हिम्मत नहीं है, आप फेस से देख सकते होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपके रोजे, नमाज, इबादत और हर चीज़ बहुत अच्छी जा रही होगी। नहीं भी जा रही है तो अच्छी कर लो।